ग्रे पैरेट 3 साल से चांस शुरू होता है ब्रीड का, लेकिन 5 साल का जो बर्ड है वो इजीली ब्रीड करता है। क्या आपसे कंफर्म उम्र का बर्ड हमें मिल सकता है? मेरे पास क्यों ब्रीडिंग स्टॉक मेरे से सिर्फ बच्चे। वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। देखिए भैया, आज आप लोगों के लिए ग्रे पैरेट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग फार्म बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने घर पे रखें या बच्चे पालना चाहते हैं, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। हमारे साथ हैं दी वन एंड ओनली जुबैर भाई, जिनके वालेकुम अस्सलाम, जिनके पास अगर हम लोग मकाओ की डिटेल लेने के लिए चले तो भाई इन्होंने दुनिया जहान की बुक स्टडी कर ली है। ग्रे के बारे में जितने सवाल आप हो आपके, आप इनसे आके मशवरा करके देख के पसंद करके लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग ब्रीडिंग फार्म बनाने जाते हैं तो जुबैर भाई आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। और ये खाली हवाई बातें नहीं है, यहाँ पर ग्रे पैरेट को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह छोड़ा हुआ है जिस तरह ऑस्ट्रेलियन तोता छोड़ा होता है। और एक ये मेरे पीछे काकड़ू आगे बैठ गया, लेकिन आपको ग्रे पैरेट दिखाता हूँ। ये भाई साहब ग्रे पैरेट की कॉलोनी है। और जुबैर भाई, यहाँ पर कितने ग्रे पैरेट है? यहाँ पे 40 पेयर है, 40 पेयर है यहाँ पे, यानी कि 80 ग्रे पैरेट यहाँ पे भाईजान छोड़ा हुआ है। नहीं से कहना आसान है 80 ग्रे पैरेट, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी होती है ये। तो भाई भाई, अगर हम लोग घर के अंदर शोक करना चाहते हैं ग्रे पैरेट का, तो मिनिमम हम लोगों को क्या जगह रिक्वायरमेंट होती है? देखिये, एक पेड़ के लिए कम से कम आपके पास 3 फुट चौड़ा, 5 फुट ऊंचा और 10 फुट तेज होना चाहिए ताकि वो उसमें इजिली फ्लाई कर सके। 3 फुट चौड़ाई में ऐसे जी, 5 फुट लंबाई में, 5 फुट ऊंचाई में, 5 फुट 10 फुट मतलब एक बंदा पूरा भी में लेट जाए आराम से। और वो साउथ ओपन होने चाहिए। साउथ ओपन मतलब यानी कि जिसपे सनलाइट इजीली आती है। ठीक है, आपको कोई भी केज साउथ ओपन है तो उसमें सर्दियों में लाइट जो है पूरा दिन आती है। इस केज के अंदर हम और कौन कौन से बर्ड की ब्रीड करवा सकते हैं? मतलब फ्यूचर में हम लोग ग्रे को नहीं रखना चाहते, तो इसी केज के अंदर और कौन कौन सा बर्ड ब्रीड करवा सकते हैं? काकाटू से नीचे जो तमाम बर्ड की ब्रीड करा सकते हैं सर, मकाओ ब्रीड नहीं होगा। मकाओ और काकाटू से नीचे हर बर्ड की, मतलब रिंगनेक भी आ जाता है इसके अंदर, सब ब्रीड हो जाएंगे। काकाटू, अमेज़न, सब ब्रीड हो जाएंगे इस केज में। बेहतरीन हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम लोगों ने ब्रीड करवानी है तो किस उम्र का ग्रे पैरेट लें हम लोग? पाकिस्तान में मोस्टली ग्रे पैरेट जो है वो वाइल्ड है, उनकी उम्र का हमें अंदाजा नहीं है। ठीक है, वो काफी एडल्ट है। ग्रे पैरेट 3 साल से चांस शुरू होता है ब्रीड का, लेकिन 5 साल का जो बर्ड है वो इजीली ब्रीड करता है। क्या आपसे कंफर्म उम्र का बर्ड हमें मिल सकता है? मेरे पास क्यों ब्रीडिंग स्टॉक मेरे से सिर्फ बच्चे ही ले सकते हैं। बड़ा बर्ड ब्रीड कितनी उम्र का बच्चा देंगे आप हमें? 3 से 4 महीने का। और उसका जो भी रेट निकलता है वो सर्दियों में निकलता है जी, नवंबर दिसंबर से। नवंबर, और ये ग्रे पैरेट सबसे ज्यादा टॉकिंग करने वाला बर्ड है। इवन आपकी ये बात का जवाब भी दे सकता है। क्या इतनी समझ ये रखता है? इसकी मेंटल कैपेसिटी जो है 3 साल के बच्चे के बराबर है। लेकिन जिन जिन के घर में 3 साल का बच्चा है वो ये बात समझ जाए तो ये कितना ज्यादा प्लेफुल और कितनी ज्यादा बातें करता है। सदाम भाई के घर में 3 साल का बच्चा है, सदाम भाई कितना तंग करता है? बड़ा तंग करता है, हर बात समझता है। बिल्कुल ऐसे 3 साल का बच्चा जो है कम से कम आपकी बात का रिप्लाई ना करे, लेकिन आपकी बात को अच्छे से समझ रहा था कि आप उसे क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। तो ट्रेनिंग के ऊपर फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे हम लोग जुबैर भाई के साथ ही, लेकिन अभी आज चल रही है ब्रीडिंग की बात। हम लोग जुबैर भाई से ग्रे पैरेट की डाइट के बारे में पूछेंगे। जी जुबैर भाई, आप डाइट के बारे में क्या मशवरा देंगे हमारे दोस्तों को? देखिए, ग्रे पैरेट जो है हाई फैट टेकिंग बर्ड है, आप उनको इसको ब्रीडिंग सीजन में हाई फैट देनी होती है। कुछ हाई फैट आप सीड्स से दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपके हैं जैसे अखरोट, बादाम, आप उनको सीजन में वो दे सकते हैं। फिर आप जब सॉफ्ट फूड डालते हैं तो आप उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑयल मिक्स कर सकते हैं उसकी फैट रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। इतना तो हम लोगों को समझ आ गया। बहुत से दोस्त कहते हैं यार ग्रे पैरेट को ना हमेशा छुपा के रखना पड़ता है, इसमें कितनी हकीकत है कि ग्रे पैरेट को छुपा के रखना पड़ता है? देखिए, इसमें बिल्कुल भी हकीकत नहीं है कि ग्रे पैरेट को छुपा के रखना पड़ता है। बेसिकली हमारे पास जितने बर्ड हैं वो सारे वाइल्ड के हैं, वो हमसे यूज़फुल नहीं है और वो डर जाते हैं। जब कोई बर्ड डरता है तो फिर वो ब्रीड नहीं करता, इस वजह से हमसे कहते हैं छुपा के रखना पड़ता है। इसीलिए उसे हमें प्राइवेसी भी बहुत जबरदस्त देनी पड़ती है। ग्रे के केजेस के दरमियान हम पार्टीशन लगाते हैं क्योंकि ये टेरिटोरियल होता है कि जब ब्रीडिंग सीजन में जाता है तो ये अपनी टेरिटरी मेंटेन करता है। अगर एक मेल के साथ दूसरा मेल नजर आ रहा होगा तो बजाय ब्रीडिंग तक जाने से लड़ता ही रहेगा, इसलिए हमें प्रॉपर पार्टीशन देनी पड़ती है। और आप क्या प्रेफर करते हैं, क्या हम लोगों को ग्रे पैरेट का शौक करना है, बच्चा पाल के करें या फिर बड़ा ब्रीडर पेयर लेंगे पीछे? देखें, ग्रे की क्योंकि अडल्ट की उम्र जरा ज्यादा है, तो अगर आप स्टार्ट करें तो शुरू में आपको चाहिए कि आप अडल्ट पेयर लें, लेकिन बाद में आप बच्चे बड़े कर सकते हैं क्योंकि उन्हें तकरीबन 5 साल लगेंगे। अच्छा, आपके पास से हम लोगों को ग्रे पैरेट के बच्चे मिल जाए, ब्रीडर पैर किसी से दिलवा देंगे आप अगर हमें चाहिए हो तो? सर, अपने फार्म से ही
अगर किसी को किसी शौकीन को बर्ड चाहिए हो तो मैं उसे देता हूँ, मैं ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता। इन 40 जोड़ों में से कोई ऐसे जोड़े हैं जो हमें मिल जाएंगे? नहीं, इसमें कोई जोड़ा देने वाला नहीं। और अगर कोई आपको डबल में दे, हमारी तरफ से कोई हमारी ऑडियंस आके इसकी वैल्यू से डबल दे, तब क्या सोचते हैं इस बारे में? देखेंगे, मैंने बड़ी मेहनत से बर्ड ये 2003-04 मैंने बर्ड डेवलप किए थे जो मेन ब्रीडर है, तो मुझे 10 गुना भी देगा तो मैं अपना ब्रीडर बर्ड नहीं दूंगा। आई मीन वाओ यार। दूसरी बात यह कि मार्केट में आप हर जो भी बर्ड लेने जाते हैं तो हर बंदा कहता है ब्रीडर है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी मिथ बन गई है कि अगर बेचने वाला ब्रीडर नहीं कहेगा तो खरीदने वाला खरीदेगा नहीं। बिल्कुल, तो उसमें 99% झूठ ही होता है। वो बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। हाँ जी, ब्रीडिंग बर्ड सिर्फ आपको वहां से मिल सकते हैं कि जो बंदा अपना शौक शिफ्ट कर रहा हो, तो और परिंदा लगाना चाहता हो या शौक छोड़ रहा हो, वरना ब्रीडिंग बर्ड कोई भी नहीं बोल नहीं बेचता, क्योंकि जितनी वो वैल्यू रखता है उससे 10 गुना ज्यादा आपको देता है। वो एक साल में अपनी वैल्यू से ज्यादा आपको अर्निंग दे देता है, आप क्यों बेचेंगे उसे? इतने सारे सवाल होंगे, जवाब तो मैं मिल गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अरे, नॉर्मली ग्रे पैरेट के अंदर बीमारियां कौन कौन सी पाई जाती है? ग्रे पैरेट देखे एक हाई बर्ड है। पहली तो बात, अगर ये बीमार हो तो आपको पता ही उसको चलता है जब ये मरने के करीब पहुंच जाता है। और क्या रीजन है? देखिये, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम इसे बहुत फैटी सीड देते हैं और हम इनको फ्लाइंग नहीं देते। हम छोटे छोटे केजेस में इनको हमने डाला हुआ है और सनफ्लावर दिए जा रहे हैं, इनका फैट लेवल, लिवर फैटी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो जाता है। सीजन के बाद हम इन्हें बड़ी फ्लाई देते नहीं कि वो उसको मैनेज कर सके। फिर दूसरी बात है कि इसकी कैल्शियम की इनटेक, इसकी रिक्वायरमेंट तमाम बर्ड से डबल है, वो हम पूरी नहीं करते। फिर विटामिन ए की इसकी रिक्वायरमेंट, विटामिन ए को लोग समझते नहीं है, अगर विटामिन ए डेफिशिएंट बर्ड होगा तो उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की तमाम डिजीजेस आ जाएंगी। तो विटामिन ए में भी हमारे बर्ड डेफिशिएंट होते हैं, कैल्शियम में भी होते हैं, फिर फैटी लिवर के साथ भी होते हैं, इसीलिए फिर बर्ड बहुत सारे एक्सपायर होते हैं। ये वो सीन तो नहीं जो कहते हैं कि रात को हम लोगों ने परिंदा बांध किया था, सुबह मरा हुआ है? ग्रे पैरेट मरने में 5-7 दिन लेता है, लेकिन वंस इसकी जब कील बोन से सीने की हड्डी को कहते हैं, जब ये निकल आती है तो फिर इसे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब बर्ड का सेम ट्रीटमेंट होगा इस चीज का, सोकड़ा जिसे कहते हैं? हाँ, सेम। असल में तो इसका कुछ ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा गाइड कर सकते हैं? जो कील बोन का निकलना है, जिसे हम आम जबान में सोकड़ा कह देते हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, वो किसी रीजन की वजह से होती है। अगर बर्ड का रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब है तब भी कील बोन निकलनी है, अगर उसका लिवर खराब है तब भी कील बोन निकलनी है, तो हमें एक्चुअली उसकी डिजीज को सॉर्ट आउट करना होता है। अगर कोई ट्रेंड वेट हो तो बर्ड की ड्रॉपिंग देख के तो उससे वो अंदाजा लगा सकता है कि इसको कौन सी ट्रीटमेंट देनी है। मिनिमम ग्रे पैरेट में कितने पेड़ लगाने चाहिए? देखिए, ये आपके फंड पे डिपेंड करता है। और मशवरा क्या है? मशवरा ये है कि आप कोई भी बर्ड लगाना चाहें तो आप कम से कम 5-6 पेड़ जरूर लगाएं। उससे आपको ये एडवांटेज होगा कि आपके 1-2 बर्ड ब्रीड पे आ जाएंगे, आपका शौक जो है वो उससे आगे चल पड़ेगा। अगर वो ब्रीड नहीं करेगा एक पेड़, फिर आप बोर होके बेच देंगे। हाँ, अभी हम लोगों की इन्फॉर्मेशन जाने लगी है मालाकन काकाडू के ऊपर, क्योंकि वो भी इनके पास बहुत सारे हैं, तो वैसे हर बर्ड है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चाह रहे हैं। तो अभी इनसे मालाकन काकाडू के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वैसे पहले की तरह ही मालाकन काकाडू को भी हम लोग केज से स्टार्ट करेंगे कि मिनिमम केज साइज क्या चाहिए। आपके पास कितने बर्ड हैं इस टाइम माशाल्लाह से? मलकन का मेरे पास एक पेयर है जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे पास ब्रीड की है और उसके बच्चे भी मेरे पास आए हैं। मलकन को मिनिमम भी अगर आप दें तो मेरे ख्याल में कम से कम 5 फुट चौड़ा केज होना चाहिए, 10 फुट ऊंचा हो और कम से कम 12 से 15 फुट गहरा केज हो, क्योंकि ये बड़ा बर्ड है। 5 10 12 ये तो अच्छा खासा साइज है। क्यों बर्ड अगर आप किसी, क्योंकि इसमें ना फीदर प्लकिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है। ओके, अगर आप छोटा केज देंगे स्ट्रेस में जाएगा, ये अपने पर प्लक करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इस वक्त हाई इन डिमांड पेट मार्केट का ये बर्ड है, बहुत प्लेफुल बर्ड है और बड़ी आसानी से लोग इसको लेते हैं, इसलिए हम इसको केज भी हमने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देना होता है। बेहतरीन है। ये सालाना कितने क्लच दे देते हैं आपको अगर आप लोग एग उठा लेते हैं उसके? देखिए, मैं एग लिफ्ट ही करता हूँ। इस साल मैंने ये पेड़ लगाया था, उसने मुझे 2 क्लच दिए थे जिसमें 3 अंडे फर्टाइल थे और 2 बच्चे मेरे पास आ गए थे उसके। 3 अंडे फर्टाइल थे, 2 बच्चे आ गए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़े सवालात के जवाब मिल गए होंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके सीखते रहेंगे। अगर हम लोगों को बच्चे चाहिए हो किसी भी ब्रीड के तो सब आपसे मिल जाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला। किस तरह से रब्ता होगा आपके साथ? आप मेरे से फोन पे रब्ता कर सकते हैं 0300-842-7071, और आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
करता हूं दोस्तों, आप लोगों को भाई की वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक ये दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।